मैं यही बता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं है परफॉर्मेंस की बात होती तो फिर मैंने कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट करवाई हैं दूसरा मुझे नहीं लगता कि मैं खेल सकता हूँ तो बी ऑनेस्ट चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी हैं मैं ये नहीं कहता कि पी उनको निकाले बिल्कुल उनका रखे पीसीबी का एक सिस्टम है उनको सिस्टम के तहत लेके आए वो 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 देखे एज ए क्रिकेटर बहुत अच्छे थे विकी भाई लेजेंड रहे हैं क्रिकेट में मिसबा भाई बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं लेकिन जो माइंड सेट होता है ना मैनेजमेंट का प्लेयर्स के साथ ये एक डिफरेंट कोचिंग है भाई ये डिफरेंट एक एजुकेशन है कि मैं भी आप कहूँ कि जी मैं मुझे थोड़ी बहुत बॉलिंग आती है तो मैं फ़लाने बॉलर को सिखा सकता हूँ मैं नहीं सिखा सकता उसके लिए भाई जाके मुझे एक टेम्परामेंट एक एजुकेशन लेनी पड़ेगी कि मैंने प्लेयर के साथ हैंडल कैसे करना है तो ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा कोच है वो अच्छा मैनेजमेंट भी में भी जाके जा अच्छा डिलीवर करे लेकिन आ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस माइंड सेट जो इनका माइंड सेट है इस माइंड सेट के साथ मैं खेल सकता हूँ ये है कि मैंने पहले भी बात की है और आज भी कर रहा हूँ मुझे सिर्फ प्लेयरों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे आपकी टीम कभी परफॉर्म नहीं करेगी आप अगर यही माइंड सेट रखेंगे क्योंकि मैं रिटायरमेंट दे चुका हूँ और मेरा फैसला भी यही रहेगा इस टीम मैनेजमेंट के साथ मैं कभी नहीं खेलूँगा ये मेरा डन एंड डस्टिज फैसला हाँ मैं ये कहना चाहूँगा इस माइंड सेट को थोड़ा चेंज कर लें शायद जो हमारे यंगस्टर्स हैं बेचारे वो डर से बाहर निकल आएँ वो अपने आप को एक्सप्रेस करें हमारे सारे प्लेयर टैलेंटेड हैं जितने भी हैं फ़हीम है शहीन है आबाद है ये सारे अच्छे बॉलर्स हैं आप इनको फ्रीडम दें भाई इनको ना साइडलाइन करने की कोशिश करें इनको जब तक आप भाइयों की तरह फ्रेंड्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे ये ग्राउंड में कभी भी जाके एक्सप्रेस नहीं करेंगे जब ड्रेसिंग रूम में आप माहौल ड्रोना बना के रखेंगे प्लेयर की प्लेयर की और टीम की यही परफॉर्मेंस आएगी आप एज आ टीम ले कर चलें आप अपनी ईगो को ज़रा साइड पर रखें जो सीधी सी बात है मैं मैंने आके सच बोला था मैंने परफॉर्मेंस की बात नहीं की कल भी मैंने ट्विटर पर बात की थी कि ये पिक्चर्स को कहीं और लेके जा रहे हैं मैंने परफॉर्मेंस या टीम पे ड्रॉप होने की वजह से तो रिटायरमेंट दी ही नहीं थी मेरा इशू कुछ और था Uh, जैसे आई uh, थिंक कल वक्की भाई ने मेरी बात का जवाब खुद ही दे दिया उन्होंने कहा कि जी आमिर के बयानार से मुझे बहुत दुख हुआ तो uh, मैं उनको बताना चाहूँगा बल्कि uh, मुझे खुशी हुई है कि उनको ये एहसास हुआ कि किसी के गलत या जो भी बयान होते हैं वो किसी को तकलीफ़ दे सकते हैं तो मेरे तो गलत नहीं थे मैंने तो सच बोला तो उनको तकलीफ़ हुई है लेकिन uh, जब से आस्ट्रेलिया सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई थी अगर आप सबको याद हो तो कभी वो कह रहे हैं डिच कर गया कभी कह रहे हैं कि जी आ, टेस्ट क्रिकेट उसने वर्कलोड की वजह से नहीं छोड़ी वो तो खेलना ही नहीं चाहता तो ये बयान हाथ पीछे जो थे जो मुझे दुख दे रहे थे जो मुझे मेंटली अपसेट कर रहे थे आ, ये इशू ही नहीं था देखिए एज अ क्रिकेटर मुझे सबक पढ़ाया जा रहा है कि वो जी उसको तो चाहिए था कि वो जाता और डोमेस्टिक में जाता और परफॉर्म करता आ जाता भाई क्रिकेटर को पता होता है कि जब वो परफॉर्म नहीं करता उसने जाके जो अपॉर्चुनिटी होती है वो डोमेस्टिक क्रिकेट है या कोई लीग है उसने जाके वहाँ परफॉर्म करना होता है और सबर का पैमाना मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता मैं पाँच साल क्रिकेट नहीं खेला था 2010 से 2015 तक जब मुझे पता था कि मैं बॉल को भी हाथ नहीं लगा सकता था तो तब मैंने हिम्मत नहीं हारी ये सीन कुछ हो था कि मैं परफॉर्मेंस की वजह से मुझे ड्रॉप किया और मैं हिम्मत हार गया और मैं जो है मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ ऐसा नहीं होता यहाँ पे कितने लेजेंड्स हैं जिनके पंद्रह पंद्रह बीस बीस कम हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में तो ये तो एज अ क्रिकेटर जब हम क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो हम यही सीखते हैं कि भाई परफॉर्म करेंगे तो टीम में रहेंगे नहीं करेंगे तो हम जाएंगे डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे वापस आ जाएंगे ये तो कोई इशू ही नहीं था इशू ये था परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं फिर कि जी परफॉर्मेंस का इशू था तो फिर मुझे ये बता दें जब मैं बांग्लादेश लीग में खेल रहा था और मैंने इक्कीस आउट किए थे तो अगले दिन टीम अनाउंस होती है और मैं टीम में नहीं था और मुझे पता भी नहीं था और अगर कह रहे हैं वो पर्सनल नहीं था तो मेरे से बात करनी चाहिए थी तो मुझे बताना चाहिए था कि भाई मुझे क्यों ड्रॉप किए मुझे तो नहीं पता था मैं टीम से ड्रॉप था और मैं तो परफॉर्मेंस को तो ये ख़ुद लेके आ रहे हूँ और मैं परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहा हूँ तो मुझे तो नहीं बताया गया था दूसरा ये कि परफॉर्मेंस की बात मुझे नहीं समझ आती कि तीन चार मैचेस या पांच मैचेस पे कहते परफॉर्मेंस नहीं थी परफॉर्मेंस नहीं थी तो फिर तो इस तरह के बहुत सारे जिनको एक मैच पे पाकिस्तान खिला दिया गया अब बेचारों बेचार उन, उनके साथ भी ज्यादती है टू बी तो ऑनेस्ट कि एक मैच पे आप पाकिस्तान खिला देते हैं और उसके बाद अगर वो दो मैचों में ना करें तो वो कहते हैं कि जी खुदाफिस घर जाएँ तो ऐसा होना नहीं चाहिए बाकी एज अ क्रिकेटर मुझे पता है कि भाई मैं परफॉर्म करूँगा तो वापस आ जाऊँगा ये नहीं था दूसरा पर्सनल नहीं था तो फिर जब स्टेटमेंट्स आती हैं जी हमें हमने उन्हीं को प्रेफर किया जो तीनों फॉर्मेट के लिए अवेलेबल है हमने उन्हीं को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जिन्होंने रेड बॉल खेलनी है तो ये फिर क्या था और जब मैं टीम से बाहर होता था तो बात तो नहीं करते थे कि हाँ जी क्यों किया रीज़न क्या था अब वो बता रहे हैं जी वो मिसबा भाई ने बताया कि जी उसकी पेस नीचे आ गई थी तो भाई जान मैंने अपनी फिटनेस को देख के अपनी सारा कुछ आ, आ, क्या क्या अपनी फिटनेस को देख के अपनी सारा कुछ Uh, क्या कहते हैं इंजरीज़ को देख के अपनी परफॉर्मेंस को देख के क्योंकि मेरी पेस दिन बदिन आ रही थी नीचे क्योंकि इंजरीज की वजह से मैं 20 दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं वर्ल्ड कप भी स्पेजम में खेला था और अगर आप अब रिसेंटली देखें जब आपकी बॉडी रिकवर होती है फ्रेश माइंड से खेलते हैं मैं श्रीलंका में जाके मैंने 145 फोर्टी फाइव पर भी बॉलिंग की है जब आप ए, मेंटली फ्रेश होते हैं जब आपको फ्रीडम दिया जाता है तो ये होता है बाकी परफॉर्मेंस का मैंने ये आप खुद लेके आ रहे मैं फिर बार बार कह रहा हूँ मैं परफॉर्मेंस को डिस्कस ही नहीं कर रहा था क्रिकेटर ठीक है आप बाहर होते हो अंदर आते हो बहुत सारे यूनस भाई कितनी दफा बाहर हुए उन्होंने कम बैक किया आज हम उनको लेजेंड्स कहते हैं क्योंकि ये क्रिकेटर का हिस्सा होता है कि उसने बाहर होना है वो मेहनत करता है जाके कम बैक करता है और यूनस भाई शाहद भाई यूसुफ भाई कितने लोगों के कम हुए तो इसमें मुझे ये नहीं था कि भाई कि मैं परफॉर्मेंस से बाहर हुआ ओ हो मुझे टीम से बाहर किया तो अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला ऐसा नहीं होता भाई मैं पाँच साल क्रिकेट नहीं खेला मैंने तब सबर रखा था तो अब मुझे पता था कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैं कम बैक कर सकता हूँ आप यहाँ पे एक मैच पे पाकिस्तान खिला सकते लड़कों को तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है फिर मैं तो मुझे अल्लाह ने इतनी स्किल्स हैं मुझे अपने आप पे इतना बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ और मैं परफॉर्म करके वापस आ सकता तो ये इशू ही नहीं था इशू ये था जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करते हैं तो आप कहते जी हमने तो उन्हीं को रखना है तीनों फॉर्मेट खेलने वालों को जो पाकिस्तान को अवेलेबल है तो आपने तो एक एक फॉर्मेट वालों को दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मैं तब भी नहीं बोला फिर आपने बोला जी हम टूर पर उनको लेके जा रहे हैं जो तीनों फॉर्मेट में हमें अवेलेबल हों अच्छा जी मैं तब भी नहीं बोला फिर आप जब मैं लीग खेलने जाता हूँ जब मुझे मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं चलो मैं कहता हूँ कि यार मैं वहाँ पर जाके परफॉर्म करता हूँ तो वही अपॉर्चुनिटी कि मैं परफॉर्म करूं मैं टीम में वापस आ जाऊं वहां पे आपसे ही कोई सवाल करता है किसी प्लेयर के वर्कलोड का आ, आप कहते हैं नहीं जी मोहम्मद आमिर ने तो वर्कलोड से नहीं छोड़ा वो तो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहता तो आपको कैसे पता कि भाई मैं नहीं खेलना चाहता इसी तरह जिस तरह आप कह रहे कि नो आमिर ने ये गलत बयान दे दिया मुझे बड़ा दुख हुआ तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ था मैं भी मेंटली अपसेट हुआ था तो मेंटली टॉर्चर इसी को कहते हैं जब आप आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर को जो है ना साइड लाइन करने की कोशिश करते हैं मैं वो मेंटल टॉर्चर का मतलब था और कोई ना परफॉर्मेंस का मुझे कोई इशू नहीं है भाई मैं परफॉर्मेंस करता मैं वापस आ जाता कोई इशू नहीं मैं कितनी दफा मिकी के दौर में भी टीम से बाहर हुआ एशिया कप से उसके बाद आया मैं डोमेस्टिक खेला परफॉर्म किया मैं साउथ अफ्रीका के टूर पे चला गया इसका कोई इशू नहीं था आप पिक्चर को कहीं और लेके जा रहे हैं मैंने आके सच बताया था भाई मेंटली ये डिस्टर्ब कर रहे हैं मैं इनके साथ नहीं खेल सकता और मेरा स्टांस भी यही रहेगा जो इनका माइंड सेट है इस माइंड के साथ माइंड सेट के साथ मैं नहीं खेल सकता और दूसरा ये है कि आप पता नहीं कितने आपने तीनों की सुनी है बाकी जो आपके दोनों कोचेज़ हैं इनकी आपस में ही नहीं बात बन रही वो एक कहते हैं 150 की पेस से बॉल करने से कुछ नहीं होता बीस आउट करने पड़ते हैं बिल्कुल मेरा भी यही मानना है बीस आउट करने पड़ते हैं एक तरफ आपके हेड कोच कहते वो नहीं आमिर की एटी से एटी पे पेस आ गई थी हमने इसलिए ड्रॉप कर दिया तो पहले तो आपस में सही हो लें फिर आमिर को सबक पढ़ाएं के जी जाके डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हो वो टीम में आ जाते तो जो आपकी फिर परफॉर्मेंस है आप पहले अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें फिर आपको भी अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए कि टीम के हालात क्या हो गए टीम क्या थी और टीम कहाँ से कहाँ चलेगी आपको भी अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए मुझे एज़ अ क्रिकेटर पता है कि मुझे क्या करना है आप तो आके एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कोविड था फलाना था डिमकाना था तो कोविड तो सब के लिए सारी टीमों के लिए इंडिया के लिए भी है इंडिया भी कोविड में खेला है तो आप अपने एक्सक्यूजेज प्लेयरों पर ना डाला करें प्लेयर को पता होता है और आज भी कह रहा हूँ मुझे सिर्फ जो सामने अप फ्रंट Uh, की है uh, क्या कहते हैं हेल्प की है मेरी सपोर्ट uh, किया है वो सेठी साहब थे और लाला थे इसके अलावा कोई भी नहीं था पीछे बैठ के जो पता नहीं क्या करते रहे बंद कमरे में अभी आके कहते हैं कि आमिर आमिर के साथ हमारा कोई पर्सनल नहीं था लेकिन हमें पता होता कि पर्सनल क्या होती हैं चीज़ें आपको नज़र आ जाती है कि पर्सनल इश्यूज पे कैसे साइड पे किया जाता है बाकी मुझे अप फ्रंट जो सपोर्ट किया वो सेठी साहब ने किया और लाला ने किया वो मैं हमेशा कहता रहूँगा और इस चीज़ को मैं कभी भूलूंगा नहीं बाकी वो जो मर्जी कहते हैं मैं भी कह सकता हूँ कि जी मैं तो कल प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा या मैं प्राइम मिनिस्टर के खाब बनने के ये कोई भी अपने से कोई भी कुछ भी कह सकता है तो वो कहते रहे उन्होंने शायद किया हो अल्लाह बेहतर जानता है मैं नहीं जानता उन्होंने फ़ाइट किया हो शायद किया मुझे नहीं पता लेकिन जो मेरे सामने जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया वो शाहिद सिटी सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ ना मैं बोर्ड के सिस्टम से बढ़ाऊँ ना मैं क्रिकेट से बढ़ाऊँ ये सब के माइंड में बात होनी चाहिए लेकिन मैंने जो मैनेजमेंट के माइंडसेट की बात की है ये मेरे मुझे नहीं लगता कि मैं एज अ क्रिकेटर इस मैनेजमेंट uh, में आके मैं डिलीवर कर सकता हूँ जब मुझे पता है कि मैं इस मैनेजमेंट के साथ या इस माइंडसेट के साथ डिलीवर नहीं कर सकता तो मैं क्यों आके किसी लड़के की जगह मारूं या अपना टाइम भी वेस्ट करूँ क्योंकि जब आप एज अ क्रिकेटर मैं बिलीव करता हूँ आप किसी भी क्रिकेटर से पूछ लें जब तक वो क्रिकेट को ड्रेसिंग रूम को इंजॉय नहीं करता उस माहौल को मेंटली फ्रेश नहीं होता वो कभी डिलीवर नहीं कर सकता आप जितने मर्जी ये प्लेयर उठा के देखें फॉर्म लगने ना लगने का मतलब क्या होता है कि वो मेंटली डाउन होता है तो जब बंदा मेंटली डाउन होता है तो वो अच्छी तरह डिलीवर नहीं कर सकता उसके साथ जो अराउंड पीपल होते हैं उन्होंने उसको उठाना होता है यहाँ पे एक प्लेयर एक इनिंग में या दो मैचेस में कुछ ना करे तो मॉर्निंग विंजिंग शुरू हो जाती है ऐ की कर रहे हैं ओ की कर रहे हैं तो ये ये तरीके नहीं चलते और ना आपने जैसे बोला कि मैं ना पाकिस्तान से बढ़ाऊँ ना मैं क्रिकेट से बढ़ाऊँ ना बोर्ड के सिस्टम से बढ़ाऊँ लेकिन मैंने जो माइंड की बात है ये हमेशा मेरे यही स्टांस रहेगा मैंने इस मैनेजमेंट के माइंड के साथ मैंने